जाने से पहले मेल चेक कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं एचआर तेरा इन जर्मनी। वेलकम बैक। ये जगह याद है आपको, स्पेशली ये वाली, यहाँ हमारी पहली वीडियो आई थी। भाई आज मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा है, बादल बादल छाए हुए हैं। अच्छा मौसम है आज निकलने के लिए। तो आज हम बाहर जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं मैं बताती हूँ कि कहाँ। पहले बस स्टैंड चलते हैं, बस पकड़नी है। ये वाला जो रास्ता है साइकिल्स के लिए है, सिंबल भी बना हुआ है। मैं यहाँ पे बहुत साइकिल चलाती हूँ और फिर उधर निकल जाती हूँ, पीछे कहीं एरिया है एक गार्डन टाइप वहाँ पे। और ये हम पहुँच गए हैं अपने बस स्टैंड पे। वेस्ट बनहॉफ, देखते हैं बस कितनी देर में आ रही है। ओ, बस आने ही वाली है। आ गई। आज क्या परफेक्ट टाइमिंग हुई है बस की। मैंने अपना कार्ड दिखा दिया है और हम बैठेंगे सबसे लास्ट में। आज हम जा रहे हैं भारत बाजार। एक्चुअली घर का राशन हो गया था ख़त्म, नमकीन बिस्किट कुकिंग ऑयल सब ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि चलो भारत बाजार चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग कराते हैं, आपको भी दिखा देती हूँ कि इंडियन स्टोर्स कैसे होते हैं जर्मनी में। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। बिकॉज वहाँ जाती हूँ ना, मैं इंडियन प्रोडक्ट्स देखती हूँ, एशियन प्रोडक्ट्स देखती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में ही हूँ, मुझे कुछ ऐसी परायेपन वाली फीलिंग नहीं आती है, बहुत अच्छा लगता है इधर। जर्मनी में ये एक इकलौती दुकान है जहाँ पे शॉपकीपर हिंदी में बात करता है। इट विल बी फन। चलो पैदल चलती हूँ, थोड़ी वॉक हो जाएगी, वैसे भी घर में पड़े पड़े बोर ही हो जाते हैं, मगर थोड़ी सी टैनिंग भी ले लेते हैं धूप में। और ये हम जर्मनी की गलियों में घूमते हुए, देखियो कितना महंगा है, 50 यूरो में। लूट मची हुई है, लूट लो। क्या मस्त ओपन गाड़ी है। चलो सिग्नल हो गया, भागो। आधे रास्ते पहुंच गए हैं पैदल चलते हुए, पहुँच जाएंगे 5-7 मिनट में। ये वाला वो एपोथीक है जहाँ से मैंने दवाइयाँ ली थी। एंड दवाइयों के अपडेट से बताऊँ मैं आपको, मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि जो दवाइयाँ मैंने ख़रीदी थी अगर मैं उसका बिल अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दूँ तो वो उसको रीइंबर्स कर देंगे। कितनी अमेजिंग चीज़ है, 15 यूरो का जो खर्चा आया था मेरा वो वापस हो सकता है। मैंने उन्हें मेल कर दिया, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे जैसे इस रोड पे रोड क्रॉस करने के लिए कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली रोड क्रॉस कर सकते हो। अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो आपके लिए रुकेगी। यहाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि पैदल चलने वालों को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद साइकिल वालों को। जैसे इंडिया में होता है कि ऐसे वेट करना पड़ता है, अच्छा अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, ऐसे हाथ दे के रोकना पड़ता है। और हम आ पहुंचे हैं भारत बाजार स्टोर, ये देखो भारत बाजार। अभी हमने भैया की परमिशन ले ली है वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ आराम से। चलो सबसे पहले मुझे लेने हैं बिस्किट, चार ले लेती हूँ।
यहाँ पे सारे मसाले हैं, ये देखो। और हमें लेनी है भुजिया, ये वाली सस्ती है। यहाँ पे पानी पूरी भी मिलती है, अगर आपको इंडिया की याद आ रही हो तो पानी पूरी खा सकते हैं। पालक पनीर, शाही पनीर, राजमा मसाला, ओह माय गॉड, पुलाव, ओह इंडिया के खाने की याद आ गई। अब तो आशीर्वाद आटा भी मिल रहा है, पिल्सबरी का भी है, और इधर चावल वावल भी हैं सारे। डोंट टेल मी इस पे इंडियन रुपीस लिखा हुआ है, वाउचर वर्थ ₹350, मतलब सीधा इंडिया से आ रही है। अभी हम चलते हैं मिठाइयों वाले सेक्शन में, वहाँ पर मिठाइयाँ भी मिलती हैं। लो भाई, घिया, भिंडी सब, अरवी वगैरह सब मिलता है इधर। मिर्च वगैरह भी, मिर्च यहाँ देखने को नहीं मिलती। और ये है हमारा फेवरेट सेक्शन, स्वीट्स 3.5 यूरो में। साबूदाना भी मिलता है भाई, सब मिलता है इधर सब। चिकन समोसा, अब ये क्या चीज़ है, मुझे इसको देख के वो गाना याद आ रहा है, रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए। हेलो, एवरी मंडे को सामान आता है जो फ्रेश होता है, सब्जी, मिठाई, पनीर सब। अच्छा, कहाँ से मंगाते हो आप? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट से, अच्छा। और आप हैं कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से? मैं भी दिल्ली से हूँ, मतलब हरियाणा दिल्ली। आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? नहीं है बैग तो मेरे पास। क्या वीडियो जो बनाया आपने, कहाँ पोस्ट किया? ये मेरा एक चैनल है HR13 इन जर्मनी, यूट्यूब पे 13 हरियाणा 13 बहादुरगढ़ से हूँ मैं। व्हीकल कोड होता है ना वहाँ का। आप भी दिल्ली से ही हैं? अच्छा, आप शादी के बाद आ गए थे इधर? अच्छा, आप पहले से ही थे इधर? अरे वाह, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे? जी, उसी ने पूछ रही। थैंक यू सो मच। अभी मैंने शॉप की ओनर से बात की, वो ऐसे ही मुझसे पूछ रही थी कि आप इंस्टाग्राम पे हो, आप कौन से चैनल पे डालोगे ये। देन मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे फॉलो करेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। शी वॉज रियली स्वीट। अगर आप काइज़रस्लॉटर्न में हैं या इसके आसपास के एरिया में हैं तो प्लीज़ यहाँ आइए, यहाँ से शॉपिंग कीजिए। एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि आप विदेश में अपने देश की चीज़ों को देख रहे होते हो तो, और वो ख़रीद रहे होते हो तो अलग ही प्राउड वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं वापस घर जा रही हूँ, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ, और फिर हम मस्त चाय पियेंगे, मठरी वठरी खाएँगे, इन्जॉय करेंगे। ये देखो, हमारी यूनिवर्सिटी के पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं सिटी में, RPTU। तो अभी बस तो लेट आएगी, मैं सोच रही हूँ कि साइकिल से चलती हूँ घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 मिनट की साइकिल राइड है। साइकिल चलाते चलाते मैं इस खूबसूरत सी जगह पे आ पहुँची हूँ, देखो। और ये सामने का व्यू कितने बढ़िया नज़ारे, ये देखो। और यहाँ पीछे किसी का घर है, एकदम जंगल वाले एरिया में, मस्त एरिया है ये। अब चलो वापस चलते हैं, घर जाके सामान की अनबॉक्सिंग भी करनी है। यहीं से यू टर्न मार लेते हैं। फाइनली आई एम एबल टू मेक वीडियो वाइल साइकिलिंग। मैंने पता नहीं कैसे करके इसको सेट कर लिया है साइकिल में। ठीक है, अरे वाह, मज़ा आ रहा है ऐसे साइकिलिंग करके, क्या मस्त हवा चल रही है भाई। ब्लॉगिंग बड़ी टेढ़ी खीर है। I'm loving it. हेलो, हम आ पहुंचे हैं घर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम भारत बाजार से क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, रेड लेबल चाय पत्ती, और मैं 4 पार्ले जी लेके आई हूँ। आफ्टर दैट मठरी,
जो कि चाय के साथ बहुत ज़रूरी है, और भुजिया, और ये दूसरी वाली भुजिया, और मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे फेवरेट चीज़ मेरी, जो अभी मैं इंजॉय भी करने वाली हूँ आपके साथ। और पेश करते हैं आपके सामने गुलाब जामुन। ओ क्या खुशबू है, भी मैं इंजॉय करने वाली हूँ मस्त गुलाब जामुन। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से। गजब, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेश वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बासी बासी होंगे। उन्होंने मुझे बताया कि इनकी लाइफ टाइम 4 वीक्स की होती है, तो शायद आज ही आया है, मेरा एक हफ्ते का कोटा तो हो गया है पूरा। ये मैं पहली बार जर्मनी में मिठाई खा रही हूँ। मुझे तो इंडियन स्टोर घूमना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको भी आज ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वो तो अभी कर दो तुरंत। ओके देन, आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।